हेलो साथियों, कैसे हो। मैं दिशांत एक बार सभी साथियों का आपके अपने परिवार श्री एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इसी के साथ साथियों, हम नए प्रश्न के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हैं। तो साधारण ब्याज में हमारा पार्ट नंबर पाँचवा कंप्लीट हो गया था। साधारण ब्याज में बिल्कुल पार्ट नंबर पाँचवा कंप्लीट हो गया था। हमें पार्ट नंबर छठवें से स्टार्ट करना है, तो ये हमारा पार्ट नंबर छठवां है, ठीक है ना। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, और जितने भी मित्र साथी हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल लास्ट तक जुड़ें। नए नए प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को हम आराम से करते चलेंगे, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है, बिल्कुल आराम से समझेंगे। एक व्यक्ति दो वर्षों के लिए कुछ राशि उधार लेता है। एक व्यक्ति दो वर्षों के लिए कुछ राशि उधार लेता है। अब देखिए क्या कह रहा है, अगर दर 3% बढ़ जाए, ब्याज दर जो है वो 3% बढ़ जाए, तो उसे 300 रुपये अधिक भरने पड़ते हैं मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल प्रश्न की गहराई को आराम से समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, मेरी बात समझना। अच्छा, 3% जो बढ़ रहा है ये भैया एक वर्ष के लिए होगा, तो 3% जो बढ़ रहा है भैया ये एक वर्ष के लिए होगा 3%, और यहाँ पर कितने वर्षों की बात कर रहा है, तो दो वर्ष के लिए कितना हो जाएगा ब्याज दर। देखो ये बढ़ रहा है 3% बढ़ रहा है एक वर्ष के लिए है, दो वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, 6% की वृद्धि होगा, ठीक है ना। तो ब्याज कितना बढ़ा, 6% बढ़ा। यही 6% बराबर किसके हो जाएगा, 6% बराबर यही भैया 300 के बराबर हो जाएगा। 1% बराबर निकालें तो कितना हो जाएगा, 300/6, तो यहाँ से 100% बराबर जब निकालेंगे, यही 100% बराबर प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, ठीक है ना। 100% बराबर निकालेंगे तो 300/6 और गुणे में कितना करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है। इसको काट दो, 2×3 6, इसको 3 से काटना, 3×2 6 और 3×1 3, ठीक है। यहाँ से 2×1 2, ये कितना हो गया, 50 हो गया। इसका गुणा करोगे, इसमें आपका कितना करेक्ट आंसर आ जाएगा, 5000, ठीक है। अर्थात प्रिंसिपल जो निकल के आएगा, मूलधन निकल के आएगा भैया, इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। क्या आप गहराई को समझ पा रहे हो, प्रश्न क्या कहना चाहता था, ठीक है। इसी चीज़ को यदि हम बेसिक से लगाएं तब भी हमारा लगेगा, ठीक है ना। बेसिक से भी लगाएं तब भी लगेगा, आप बेसिक से लगा सकते हो, ठीक है। तो 39 कंप्लीट हो गया भैया। हाँ, बिल्कुल आराम से प्रश्न पढ़ेंगे और इसका राइट आंसर देंगे कि क्या राइट इसका आंसर आएगा। देखो क्या कह रहा है भैया, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि एक वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उधार ली। एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार ली, लेकिन ब्याज दर 2% बढ़ा दी गई, जिससे ब्याज 120 रुपया बढ़ गया, मूलधन ज्ञात करना है ना। बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रश्न है, एकदम इसको आराम से लगा सकते हो, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। एक व्यक्ति ने, फिर से पढ़ना, एक व्यक्ति ने कुछ धन एक वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उधार ली, लेकिन ब्याज दर 2% क्या हो गई, बढ़ा दी, जिससे ब्याज 120 रुपया बढ़ गया, तो यहाँ पर मूलधन बताना है, ठीक है ना। देखो एक वर्ष की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 2% बढ़ रहा है, 2% बढ़ रहा है कितने वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए, तो यहाँ पर कितना बढ़ा, 2×1 2, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पर कितना परसेंट खाली बढ़ा, 2% बढ़ा, 2% बढ़ा, यही 2% किसके बराबर हो जाएगा, 2% किसके बराबर हो जाएगा, तो धनराशि भी बढ़ेगा, तो 2% बराबर 120 हो गया। तो यहाँ से 1% बराबर निकालेंगे, 120/2, और मूलधन निकालना है तो 100% बराबर आप निकालोगे, तो 100 गुणे कितना हो गया, 120/2, इसको काटोगे, 2×6 12, और यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका करेक्ट जवाब कितना हो जाएगा, 6000, बिल्कुल राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। बातों को आराम से समझना, यदि आप बेसिक से लगाना चाहते हो तब भी आपका करेक्ट आंसर आएगा बेसिक से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 आपका हो गया, तो राइट इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो इसी के साथ भैया चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 41 कंप्लीट और 42 पे चलते हैं, और 42 का करेक्ट आंसर बताएं कि 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। बिल्कुल बने रहिए, तभी पूरी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। हाँ बताएं क्वेश्चन नंबर 42 का क्या राइट आंसर होगा, आइए चलते हैं देखते हैं।
क्या कह रहा है, किसी पूंजी पर 10 वर्ष में साधारण ब्याज 600 प्राप्त होता है। कोई धनराशि है उस पर 10 वर्षों में टोटल ब्याज कितना हो रहा है, 600 रुपया प्राप्त होता है। अब आगे क्या कह रहा है भैया, यदि पांच वर्ष के बाद पूंजी 3 गुनी कर दी जाए, 5 वर्ष बाद, ठीक है ना, जैसे 5 वर्ष बीता फिर 5 वर्ष बाद क्या कर देना है, पूंजी को 3 गुना कर देना है, तो 10वें वर्ष के अंत में ब्याज कितना मिलेगा। इस प्रश्न को लगा के देखे, बहुत गजब प्रश्न दिया गया है, ठीक है, आराम से लगाएं और करेक्ट जवाब इसका बताएं क्या होगा। ऑप्शन इसका दिया गया है 1500, 1000, 1200 और 2300। करेक्ट और राइट आंसर बताते जाएं इसमें क्या होगा। हां भैया देखिए, देखो 10 वर्ष का जो है, 10 वर्ष का ब्याज कितना है, 10 वर्ष का ब्याज कितना दे रहा है, 600 रुपया प्राप्त होता है, 10 वर्ष का ब्याज है, ठीक है। प्रश्न में आगे क्या कह रहा था, यदि 5 वर्ष बाद पूंजी 3 गुनी कर दी जाए तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज क्या होगा। तो मेरी बात समझना कि 10 वर्ष का ब्याज 600 है, मैं कहूं कि 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का कितना होगा, 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अगले 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, अगले भी 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक है ना, अगले भी 5 वर्ष का 600 हो जाएगा। लेकिन 5 वर्ष बाद की बात कर रहा था कि 5 वर्ष बाद पूंजी को 3 गुना कर दिया जाए तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना होगा। तो मेरी बात समझना, जब पूंजी को अर्थात मूलधन को आप 3 गुना करोगे तो उसका प्रभाव ब्याज पे भी होगा, ब्याज भी 3 गुना होगा, ठीक है ना। यदि आप मूलधन को 3 गुना करते हो तो ब्याज पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो ब्याज भी कितना होता है, 3 गुना। इससे पहले वाले क्लास में आपको पूरा बढ़िया से बता दिया गया था, ठीक है ना, इसके बारे में। तो यहां पर क्या कह रहा था, पूंजी को 3 गुना कर दिया जाए तो 10वें वर्ष के अंत में क्या होगा। देखो यहां पर 5 वर्ष का ब्याज 600, यहां पर 5 वर्ष का ब्याज 600, लेकिन 5 वर्ष बाद पूंजी को 3 गुना किया जाता है तो यहां पर ब्याज भी कितना हो जाएगा, 3 गुना, ठीक है ना। इस 5 वर्ष का ब्याज 600 है, पूंजी को जैसे 3 गुना किया जाएगा ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। यहां से गुणा करोगे छात्रिक कितना हो जाएगा, छात्रिक 18। अच्छा 3 गुना करने की बात किया था ना, सॉरी, यहां पर 10 वर्ष का 600, यहां पर 5 वर्ष का 300 हो जाएगा। देखिए यहां पर गलती हो रहा था, ठीक है ना, यहां पर 300 हो जाएगा और यहां पर भी क्या हो जाएगा, 3 वर्ष, आधा आधा हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहां पर पूंजी को दुगुना करोगे ब्याज भी, सॉरी पूंजी को 3 गुना करोगे ब्याज भी 3 गुना होगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 900, ठीक है। ये ब्याज 900, इस 5 वर्ष बाद का ब्याज कितना निकला, 900 और 5 वर्ष का ब्याज 300, और इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, टोटल ब्याज 9 3 कितना हो जाएगा, 1200, ठीक है ना, 1200 कुल ब्याज निकल के आएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका यहीं पर 1200। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट होगा, क्या बी वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। 42 कंप्लीट, 43 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे। हाँ क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट जवाब बताएं क्या होगा इसमें, बिल्कुल प्रश्न को आराम से पढ़िएगा, आराम से बिल्कुल प्रश्नों को पढ़ें। देखिए 43 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे यहां पर क्या कह रहा है, 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर, 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश एक्स रुपए पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज पर 6 वर्षों के लिए निवेश राशि वाई पर, तब एक्स और वाई अनुपात क्या होगा, अर्थात एक्स और वाई में अनुपात आपसे पूछ रहा है, इसमें क्या करेक्ट जवाब होगा, ठीक है, क्या होगा इसका बताएं आंसर। 9:5 होगा कि 9:8 होगा कि 1:2 होगा कि 5:3 होगा, क्या होगा, ठीक है ना। देखो
यहां पर धनराशि एक्स के लिए क्या है, यहां पर कह रहा था कि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश एक्स रुपए पर, ठीक है ना, 5 वर्ष का ब्याज उतना है, अर्थात एक्स रुपए पर जब ब्याज निकालोगे तो रुपया मूलधन कितना दिया, एक्स दिया गया है मूलधन गुणे दर कितना है 8% और समय कितना है 5 वर्ष, ठीक है ना, बटा 100, ठीक है ना, अर्थात इस पे जो टोटल ब्याज इस पर प्राप्त हो रहा है ये टोटल ब्याज हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये तो जानते हो। अब क्या कह रहा है, इस पर जो ब्याज प्राप्त होता है उतना ही जितना कि 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेश राशि वाई पर है, ठीक है ना, तो धनराशि क्या है वाई है, इस पर दर कितना है 7.5% और भैया क्या है यहां पर वर्ष समय कितना दिया 6 वर्ष के लिए बटा 100, ठीक है ना। तो यहां से आपको एक्स और वाई में रेशियो निकालना था, तो यहां से क्या करेंगे 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है, और इसके बाद क्या कर सकते हैं आप 8×5=40 यक्स हो गया और बराबर, कैलकुलेशन आपके ऊपर है आप चाहे जैसे कर दो, ठीक है ना। तो यहां से आप चाहे काट सकते थे इसको, यहां पर रुक जाइए, यहां पर 8×5=40 हो गया, 40x बराबर कितना हो गया 7.5×6 और यहां पर दशमलव हटाओगे नीचे 10 आएगा और ऊपर क्या हो जाएगा वाई, ठीक है ना, यक्स और वाई करो, एक्स बटा क्या हो गया वाई बराबर, ठीक है, एक्स बटा वाई तो यहां पर कितना हो जाएगा 75×6 और बटा कितना हो गया 40 गुड़े कितना हो गया 10, बस इसको आप काट दीजिए और आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो यहां से काटोगे 5×8=40, 5×1=5, 5×3=15, ठीक है, और कटेगा क्या, हाँ और कटेगा, देखो 5×5=25 हो जाएगा यहां पर, सॉरी, फिर यहां से 5×2=10, 5×3=15 और कितना हो जाएगा 2×1=2, 2×3=6, 3×3=9, 9/8 हो गया, ठीक है, एक्स बटा वाई और यहां पर कितना हो जाएगा 3×3=9/8, बिल्कुल आराम से देखते चलें बोर्ड पर, ठीक है ना। तो x और y में रेशियो आपका क्या हो जाएगा, x अनुपात y बराबर कितना हो जाएगा 9:8 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, 9:8 बिल्कुल भैया करेक्ट आंसर इसमें होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर b करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि पूरी चीजें आपको समझ में आ रही है, मैं एक एक चीजों को समझाते चल रहा हूं, ठीक है ना। आइए 43 वाला खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं और इसका करेक्ट जवाब बताएं कि 44 का क्या होगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 44 पे चलें, 43 कंप्लीट हो गया, आइए 44 पर। हाँ देखिए बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न का लेवल आप देखते जाइए कितना गजब प्रश्न दिया गया, इसको आराम से पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर बताइए, ठीक है। हाँ 2500 दो हिस्सों में इस प्रकार बांटे जाते हैं, 2500 रुपए को दो हिस्सों में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि एक हिस्सा 5% तथा दूसरा हिस्सा 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर दिया जाता है और एक साल बाद कुल 160 रुपया ब्याज के रूप में मिलता है, 160 रुपया ब्याज के रूप में मिलता है, तो बड़ा हिस्सा आपको बताना है कि इसमें भैया बड़ा हिस्सा क्या होगा। ऑप्शन दिया है 1750, 1550, 2580 और 4700, कितना होगा इसमें राइट। हाँ आप देखिए मेरी बात समझिए, इसको आप बेसिक से भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, बेसिक से लगाओगे थोड़ा सा समय लगेगा, हालांकि जब नहीं आता तो बेसिक पकड़ना पड़ता है, ठीक है ना, तो बेसिक से आप अगर आ रहा है बेसिक से आप लगाइए उससे, ठीक है ना, मैं बताता हूं कि कैसे लगाया जाएगा इस प्रश्न को। हाँ भैया आराम से लगाएं और इसका करेक्ट आंसर बताएं कि क्या होगा करेक्ट आंसर, ABCD क्या करेक्ट आंसर होगा। देखिए 2500 रुपया है ना, दो हिस्सों में इस प्रकार बांटे जाते हैं, 2500 को दो हिस्सों में इस प्रकार बांटे जाते हैं, एक हिस्सा 5% तथा दूसरा हिस्सा 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर दिया जाता है, ठीक है ना, 2500 का दो हिस्सा हो गया, एक हिस्से को 5% और दूसरे हिस्से को 60% साधारण ब्याज पर दिया जाता है और एक साल बाद 160 रुपया ब्याज के रूप में मिलता है, तो बड़ा हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इसको एलिगेशन से लगाते हैं, कैसे लगाएंगे,
मेरी बात समझना, ये जो 2500 है हम मान लेते दो हिस्सा, एक पहला हिस्सा ए है और दूसरा हिस्सा क्या है बी है, ठीक है, ये दोनों मिला के कितना है 2500 रुपया, दोनों मिला के कितना है 2500 रुपया, एक मिनट, आइए देखते हैं। यहां पर देखिए हम मान लेते हैं दो हिस्सा क्या है ए और बी और दोनों कितना है 2500 है, ठीक है ना, एक हिस्से पर 5% और दूसरे हिस्से पर 7% की दर से साधारण ब्याज पर दिया जाता है और एक साल बाद कुल ब्याज कितना हो जाता है, एक साल की बात कर रहा है, एक साल बाद समय कितना है, एक वर्ष बाद कितना हो जाता है 160 रुपए ब्याज मिलते हैं, तो बड़ा हिस्सा इसमें बताना था, ठीक है। अब मेरी बात समझना कि जो धनराशि 2500 है उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है और दोनों भागों में कुछ ना कुछ क्या होता है, ब्याज दर परसेंट होता है, ठीक है ना, और कुल मिला के एक साल में दोनों से ब्याज कितना प्राप्त होता है 160 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो इसमें बड़ा हिस्सा आपको बताना था। तो मेरी बात समझना, मैं 2500 के लिए डायरेक्ट निकालता हूं कि 2500 के लिए टोटल कितना आएगा, ठीक है ना, ब्याज दर कितना आएगा 2500 के लिए, तो मेरी बात समझना टोटल ब्याज कितना निकल रहा है, टोटल 160 रुपया ब्याज निकल रहा है, ठीक है ना, ए बी को लेके नहीं चल रहा हूं मैं, टोटल का ब्याज दर निकालना हूं, ए का तो ब्याज दर पता है और बी का भी ब्याज दर पता है, मैं टोटल का मतलब 2500 का टोटल का ब्याज दर यहां पर निकाल रहा हूं, तो बताइए टोटल ब्याज कितना है 125 है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 2500 है, बातों को बिल्कुल आराम से समझेंगे, ठीक है ना, और गुणे धन मान लेते हैं आर, समय कितना दिया था एक वर्ष बटा कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है, अब यहां से 00 से 00 कटा तो यहां से कितना हो जाएगा 160, 160 बटा कितना हो जाएगा 160 बटा 25 हो जाएगा और बराबर आर हो जाएगा, इसको काटना पंचम 25, पान तीन 15 और पान दूना 10 हो गया, ठीक है, तो यहां पर 32/5% आ गया जो ब्याज दर है भैया, 32/5% आएगा, ठीक है, टोटल का, टोटल का मतलब जब धनराशि हम 2500 लेते हैं तो टोटल कितना हो गया 32/5%, इसको एलिगेशन से लगाएंगे, मेरी बात समझना। अब यहां पर देखिए आप कि कुल कितना आया है 32/5%, देखो 32/5% कुल आया है और ए बी के लिए कितना था, ए बी के लिए पहले के लिए कितना परसेंट था ब्याज दर 5%, पहले के लिए 5% था और बी के लिए कितना परसेंट था यहां पर 7% था, ठीक है ना, 7%। अब मेरी बात समझना, बिल्कुल आराम से समझेंगे, ठीक है ना, अब बिल्कुल आराम से समझेंगे क्या, अब इसमें 5 से गुणा कर दो, इसमें दोनों में 5 से गुणा कर देना, ए 5 कट जाएगा, ठीक है, एलिगेशन से बिल्कुल लगा रहे हैं, जब 5 से दोनों में गुणा करोगे तो एक कट जाएगा, ए पंचम 25% हो जाएगा, ए पंचम कितना हो जाएगा 25%, 5 से इसमें करना था 5 × 7 = 35%, ठीक है ना, ये तो 5 कट गया, अब क्या बचा 32%, अब इसमें से इसको घटाओ कितना हो जाएगा 25, 5, 30, 2, 32 अर्थात 7% यहाँ पर निकल के आ गया, इसमें से इसको घटाना तो कितना हो जाएगा 32, 33, 34, 35, तो यहाँ पर 3% यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, 32, 33, 34, 35, 3% यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, अर्थात ये जो आएगा 3:7 ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3:7 ए मूलधनों का अनुपात आ जाएगा, अर्थात दोनों राशियों का अनुपात आ जाएगा, जो ए और बी को दो भागों में बांटा गया था, जो ए और बी को दो भागों में बांटा गया था, ठीक है ना, मूलधनों का अनुपात 3:7 हो गया, तो इसमें भैया बड़ा भाग बताना है, तो बड़ा भाग आपका क्या होगा, यहाँ पर देखना बड़ा भाग, तो टोटल कितना है 2500 है, टोटल यहां पर देखना टोटल 2500 है और इनका अनुपातों का योग करना 7, 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना, तो बड़ा भाग बड़ा कौन है, बी का है ना, तो 7 है तो 7 से इसमें गुणा कर देना, बस इसको काट देना, 25 × 7 कर लेना, करेक्ट आंसर आ जाएगा 25 × 7, 7 × 5 = 35 का 5 3 हो गया, 7 × 2 =
सात दूनी चौदह, चौदह पंद्रह सोलह सत्रह हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहां से एक जीरो कहां पर बच रहा है, एक जीरो देखिए कहां से कहां पर बच रहा है, 175 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 100 नहीं, 7 3 10 होगा, एक मिनट देखिए, 7 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो खाली कटेगा, एक बचेगा, ठीक है ना। इनके अनुपातों का योग करोगे, 7 3 10 हो गया, एक जीरो से एक कटा, इसका गुणा इसमें कर दोगे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1750, ठीक है ना। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा भैया, 1750। एक प्रश्न और है, 45, 44 हो गया, 45 पे चलते हैं, और 45, हाँ 45 का करेक्ट जवाब इसमें बताएं, इसमें क्या राइट आंसर होगा, ठीक है। एक प्रश्न लास्ट प्रश्न है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे प्रश्न को, क्या कह रहा है देखिए, ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करना था, 2500 के लिए दर निकाल लेना, एबी के लिए तो ब्याज दर दिया था कितना परसेंट, 5% और 7% दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप 2500 के लिए टोटल ब्याज दर निकालोगे कितना हो जाएगा, 32/5%। तो यहाँ पर जिस तरीके से किया गया था, यहाँ से 5 से गुणा करना था, और यहाँ से जैसे 5 से गुणा करोगे दोनों में, नीचे वाला सब कट जाएगा, और पंचम 25 हो गया, और 5 7 35 हो गया, यहाँ से एक करना, ये जो आएगा मूलधनों का अनुपात हो जाएगा। टोटल 2500 था, तो 7 3 10 जोड़ोगे, बड़ा हिस्सा बताना है, तो बी ये बड़ा है ना, तो 7 से गुणा कर देना, वहाँ से काट दोगे आप, 1750 करेक्ट होगा, ठीक है। आइए 45 पे, 45 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45, देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि 1200 की राशि को ऐसे दो भागों में बांटा जाए ताकि पहले भाग के 3% सॉरी 3 वर्षों का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 4/1/2 वर्ष का 16% वार्षिक ब्याज दर साधारण ब्याज के बराबर है, तो बड़ा भाग इसमें बताना है, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत गजब प्रश्न दिया गया, इसको 45 प्रश्न लगा के देखें, ठीक है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 45 लगा के देखें यहाँ पर, तो इसमें बड़ा भाग बताना है कि जो 12000 रुपया है, ठीक है ना। यहां पर देखिए, मान लो कि जो 12000 रुपया, इसको दो भागों में हम बांटते हैं, ठीक है ना। 12000 को भी अब की बार दो भागों में बांटा जा रहा है, तो जो 12000 रुपया, इसको भी दो भागों में बांटा जाता है, तो ए और बी में हमने बांट लिया, अर्थात पहला भाग ए हो गया, दूसरा भाग बी हो गया, दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, पहले भाग के 3 वर्षों का 12%, ठीक है ना। पहले भाग का मतलब, पहले भाग का जो ब्याज निकालना है उसको निकाल लो, तो ए हो गया साधारण ब्याज बराबर मूलधन, और दर कितना दिया था 12%, समय कितना 3 वर्षों के लिए, इसके लिए जो ब्याज प्राप्त होगा वही लास्ट में कह रहा है साधारण ब्याज बराबर होंगे, अर्थात जो पहले राशि के लिए, पहले भाग के लिए जो ब्याज आएगा वही दूसरे राशि के लिए जो ब्याज आएगा, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट आएगा, वो दोनों बराबर होंगे। तो दूसरा बी है, ठीक है, इसके लिए ब्याज दर कितना है 12% है, नहीं ये तो पहले के लिए दिया था, इसके लिए समय दिया 4 1/2 4 2 8 1 9/2, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल गहराई से समझते जाएं, और परसेंट इसमें दिया है 16 और बटा क्या करोगे 100, ठीक है ना। तो मेरी बात समझना, 100 से 100 क्या कट जाएगा, हाँ बिल्कुल 100 से 100 कट जाएगा, फिर यहाँ पे 3 1 3 और 3 3 का कितना हो गया 9 हो गया, 3 1 3 3 4 12 हो गया, और क्या कटने वाला है, हाँ ठीक है देखते जाएं क्या कटेगा, 4 1 4 और 4 4 16, ठीक है, 2 1 2 2 2 4, अर्थात यहाँ पर क्या निकल के आएगा, ए बटा बी और बराबर क्या हो गया 2/1, अर्थात ए और बी में रेशियो आपका निकल के आएगा ए अनुपाते बी, इसमें रेशियो निकल के आएगा 2:1, अर्थात इसमें क्या चीज़ हमें समझना है, किसका अनुपात आ गया, जो दो भाग लिए थे, जो दो भागों में धनराशि 1200 को बांटा गया था, ठीक है ना, उसका रेशियो अर्थात मूलधन का, मूलधन जो 12000 रुपया था ना, 12000 रुपया था, 12000 रुपया, एक जीरो यहां पर बढ़ाना था, ठीक है ना। तो अर्थात मूलधन ए और बी को जो दिया गया था उसका अनुपात आ गया था, इसमें आपको क्या बताना था, बड़ा भाग, अर्थात ए का 2 है ना, यही बड़ा भाग होगा, टोटल यहां पर कितना है 12000,
12,000 कुल धनराशि दिया था, इसको जोड़ोगे टोटल कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 3 हो जाएगा। और बड़ा भाग निकालना है तो कितना बड़ा, कितने से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुणा कर दोगे, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 और 000 होगा 1, 2, 3, तो 4 × 2 = 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, इसमें भैया करेक्ट आपका क्या आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, तो 45 आपका कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूं कि पूरी चीजें आपको पूरा बेहतर तरीके से समझ में आया। ठीक है, तो साथियों इसी के साथ हम चलते हैं और हम नया जो चैप्टर ला रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहे हैं, देखना ना भूलें। ठीक है, तो जितने भी साथी और मित्र हमारे साथ जुड़े रहे, श्री एजुकेशन परिवार का सदस्य बने और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को। ठीक है, तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।